अपन सबकी दावत रखेंगे मेरे को उनके पास, सौलिया का एक जो भी माप का कपड़ा है वो लेके जा, एक में एक करके ना अच्छी जगह पे रखेंगे। ठीक करके बहुत जल्दी यहाँ पे गंदगी हो जाए। हाँ चलो बोल बच्चा। फातिमा का काम है जैसे कि मेरा ये और मेरी घड़ी। हबीबी कम टू दुबई। पलंग के नीचे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले जो आप लोग ने ब्लॉग देखे आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरे ब्लॉग पे ना ज़रूर कमेंट करके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। जल्दी 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना मेरे, तो इंशाल्लाह 30,000 पे ना आप ना क्या रखूँ, इंशाल्लाह 30,000 सब्सक्राइबर होंगे तो पार्टी रखूँ पक्का। चलो ठीक है भाई, सालिहा बोल दिए हैं तो 30,000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अपन सबकी दावत रखेंगे मेरे पूरे फैमिली वालों की। क्या बोलते अपना कुछ मीठा भी इंशाल्लाह बनाएंगे अपन, इसी में सब हो जाएगा अपना। जैसे कि बहुत से लोग मैं बोलना तो नहीं चाहूँगा ये बात, लेकिन बहुत से लोग बोलते ना कि दावत नहीं देता है दावत नहीं देता है, तो इंशाल्लाह 30,000 मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तब पूरी फैमिली की दावत रखूँगा। ओके तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे 30,000 सब्सक्राइबर पहुँचा दो। जैसे कि नवंबर में हम लोग नवंबर में ना हम लोग जाने वाले हैं शादी में, तो 24 नवंबर की शादी है वहाँ पर, तो हम लोग मेरे ख्याल से 20 या 22 तारीख को चले जाएंगे यहाँ से। क्या हुआ उसको बात करने के टाइम बच्चे लोग बहुत बीच में डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो ना जो माशाल्लाह हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने हमें कपड़े गिफ्ट किए थे ना, तो उसमें कुछ रेडीमेड भी थे और कुछ सिलाने वाले भी थे। तो जो सिलाने वाले थे ना तो मेरे एक अच्छे पहचान में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी सौलिया का कपड़ा मेरा है ना, मैं लेडीज टेलर हूँ जेंट्स तो नहीं है, तो जो भी सौलिया का कपड़ा है ना अपन जाते हैं उनके पास सिलाने में, क्योंकि शादी के लिए चाहिए रहेगा ना भाई वहाँ पर, तो इसीलिए अभी इंशाल्लाह मेरे को टाइम मिलेगा ना बीच में तो अपन जाएंगे उनके पास, सौलिया का एक जो भी माप का कपड़ा है वो लेके जाके उनको दे देंगे। और मेरा भी कहा है जो मेरे दोस्त है वो सिलते हैं, उनसे पहले पूछेंगे कि भाई अवेलेबल है या नहीं, तो उसके पास अपन अपना इंशाल्लाह अपन कुर्ता जो भी है सिला लेंगे। वो भी अपन फ्री रहेंगे तो इसी महीने के अंदर ही अंदर काम करके ले लेंगे, क्योंकि ना फिर अगले महीने नवंबर को जाने का रहेगा तो फिर एंड टाइम पे कुछ काम नहीं होगा। तो और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखे घर की कुछ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई किया मैंने, तो थोड़ी बहुत आज और इस ब्लॉग में क्लीनिंग शेयर करते हैं आप लोगों से। जैसे कि ये देखो ये वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ पर ऐसी थैली वगैरह टांगी ना तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है देखते, तो इसको अपन क्या करेंगे पता है, इसके अंदर मेरे ख्याल से सौलिया ने दाल रखे हैं, और इसके अंदर क्या है बच्चे लोग की चॉकलेट है, इसके अंदर भी दाल है, इसके अंदर वो है, और ये क्या है लहसुन है। देखो भाई सौलिया का काम इतना ख़तरनाक है, सब एकदम टंगा टंगा के रखते हैं यहाँ पर थैली में, तो कैसे देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अपन ये सब निकालते हैं और बाल्टी के अंदर चलो ये ऐसा निकाल लेंगे ये। ओके चलो मेरा ब्लॉग बनाओ ना यार, ये गिर गया बना रहे देखो क्या कर रहे। अरे वाह तुमको तो इनाम देना चाहिए यार, तुम चैंप हो चैंप चैंप। दूध की बॉटल में ना पानी का ढक्कन लगा रहे हो, वाह रे शालो एक नंबर वेरी गुड। कहाँ थे तुम इतने दिन से यार, मैं तो तुम्हारे को तलाश कर रहा था, तुम अभी मिले मेरे को। चलो ये ना खराब हो चुका है तो इसको क्या करेंगे आप। अरे वो सारा फिर काम है, छोटे चम्मच अच्छा है। अपने चीज के लिए कैसा धड़पड़ते हैं। हाँ, तो हाँ चलो ये देखो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, जरा अच्छे से घर रखने का है यार सजा के, इतना मस्त घर है अपना अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इतना मस्त घर है। इधर बताओ ये बताओ ना, जुम्मा जुम्मा एक दिन साफ करने से कुछ नहीं होता है। साफ करती हूँ, उससे पहले मैंने आकर साफ करी, आकर साफ करी, आकर साफ करी, क्या साफ करे बताओ। देखो सौलिया ने ना आज ये क्लीनिंग करके ले ली, जुम्मे के दिन से पहले मैंने यहाँ साफ करी थी, बहुत जल्दी यहाँ पे गंदगी हो जाती है। हाँ चलो बोल बच्चा ना मत दो तुम मेरे को, पहले तुम मेरा कैमरा वीडियो बना अच्छे से कैमरा पकड़ना, और इसके अंदर ना गाइस मेरी बहुत सारी टोपी है, तो मैं क्या करूँगा पता है इसको ना क्या बोलता जो सिर्फ दो इस्तेमाल के ना एक दो रखूंगा, बाकी सब निकाल के ना अपन बांध के ना अच्छे से पलट के अंदर रख देंगे। वो मेरा भाई क्या कह रहे हैं आप के साथ खेलो ना, अभी थोड़ा अबू के लिए करने दो मेरे बच्चे। यस सौलिया मेरी, और गाइस मेरा जो इतर सुरमा है ना ये देखो यहाँ पे ऐसा रखता हूँ मैं ताकि जरूरत के टाइम मिल जाए, और सौलिया के काम देखेंगे गाइस आप लोग, ये देखो तुम्हारी बेटी का काम है, तुम्हारा काम है, उसने भर के रखी थी मैंने ऐसे रख दी, फातिमा का काम है। तो इसको क्या फिर अंदर डालते हैं, कैसे डालेंगे, अरे खुलता ही है। हाँ तो तुम्हारा क्या मालूम यार, तुम्हारा कुछ भी नहीं मालूम है, नहीं खुलता हो गया। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना यहाँ पर ऐसे एक प्लाई ठोक डालूँ, ऐसे रखने वहाँ पे इतनी जगह नहीं है, कहाँ पर ओ चालू हाँ। ऐसा रखूँ हाँ ऐसा रखो उधर पक्का, ऐसा ऐसा प्लाई ठोकूँ छोटा वाला, पर वहाँ जा होंगी जगह होंगी नहीं उधर, क्यों तो फिर काट होगी जगह नहीं होगी ना उधर, तो काट होगी वहाँ पे
पर बाल का क्या रखेंगे, वो क्या टंगाएंगे तुम? बाल का निकाल के वहाँ टंगाएंगे, चलेगा? कैमरे के सामने, तुम आईने के सामने देखते नहीं रहे? नहीं ना, ऐसे करके ऐसे हुई ना। कैमरा मैन जरा अच्छे से पकड़ो, तुम वीडियो अच्छी बनेगी तो इनाम दूंगा तुम्हारे को। एडिटिंग करेंगे ना? हाँ एडिटिंग करूंगा, लेकिन वीडियो अच्छी बनेगी तो इनाम दूंगा ना तुम्हारे को। तो उसमें मत डालो, उसमें नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं। अच्छा इसके अंदर तुमने झींगा रखी क्या? मूंगी हो जाएगी इसके अंदर, मूंगी हो जाएगी। सीखो मेरे से कुछ। ये देखो ये बाथरूम में टांगे रहता है, तुम यहाँ पे रखी है, देखो यहाँ पे ऐसा टांगे रहता है। अरे वाह, निकाल लेगा नहीं गंदी बच्ची? तो ये क्या करेंगे, फेंक देंगे ऊपर? काय करे फेंकू, कचरे को बाल्टी में डाल दूं? भाई काम पे होता तो मेरा बैग काम आता है। हां नहीं नहीं रेंडम आ रहे, रेंडम में यूज करते हैं। हां तो यूज करना है, कबाड़ के अंदर रखता हूं फिलहाल अच्छा दिखने के लिए। अब आके रखेंगे, निकालना मत। हां बड़े देखो कितना प्यारा दिख रहा है यार, कितना सुंदर दिख रहा है अभी एरिया। इसको भी अंदर रख दो, क्या बात है शालो तुम्हारे। तो गाइस मियां बीवी में ऐसी मस्ती चलते रहती है, आप लोग बुरा मत मानो, ठीक है? एक का है इसका, एक और तुमको दी थी मैंने, बुलाकर है मेरे शोर का है, मुझे नहीं पता। अरे रेडे चले मत करो भाई, नहीं नहीं पता, साथ में नहीं पाता। क्या बात कर रहे हैं? नहीं पता मुझे, मेरा एयरफोन घुमा दिया सालों ने, मैं संभाल के रखती हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एयरफोन कहाँ है, ढूंढ के चाहिए तो चाहिए, होना तो होना, चावल चाहिए तो चाहिए, बटा के दो। एक बार कैसा, जब ना नवी नवी शादी हुई थी ना, तो क्या हुआ था शालो, मैं भूल गया यार, बताओ ना तुम, बताओ ना। जब हमारे जब हम लोग की जब नई नई शादी थी ना, तो घर में मैंने चावल नहीं बनाई थी, तो मैं उनको फ़ोन करके बोलती हूँ मैंने चावल नहीं बनाए करके, कुछ भी लेकर आना। तो मेरे को बहुत गुस्से में फ़ोन किए, बोले चावल क्यों नहीं बनाए, बोले बनाओ, बोले मेरे को चाहिए तो चाहिए, हो ना तो ना, बोले चावल चाहिए, बोले मेरे को बना के खिलाओ, बोले। तो जब से मैंने लिखा नाम छोटा बच्चा रख दी, फिर सोलिया ने गरम गरम चावल बना के दिए था मेरे को उस वक्त जब वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रहा तब की बात है। माशाल्लाह बहुत मजा आती थी, अभी मजा आ रही है यार। चलो मेरा एयरफोन नहीं मिलेगा ना, तुम समझ लो गए, मेरे हाथ से एयरफोन नहीं मिला तो तुम गए। कहाँ है एयरफोन मेरा? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। फातिमा एयरफोन कहाँ है अबू का? अरु एयरफोन किधर है मेरा? कहाँ है, कहाँ है? ये देखो ये सब है ना, इसके अंदर रख दे दो मैं नॉर्मली, बस तो रखो ना अच्छे से। कहाँ रखेंगे? हाँ रख दो, रख दो उनका फैक्ट्री रख दो। चलो अच्छी बात, बहुत शाल वेरी गुड, जो काम तुमको करना चाहिए वो मेरे से करवा रहे हैं। यस ये पत्थर गाइस बताओ हम लोग क्यों रखते हैं इसके ऊपर, जल्दी जल्दी बच्चे लोग ढक्कन खोल देते, सामान निकाल निकाल के फेंक देते। तुम्हारे से पूछा मैंने, गलती ना के होता है कोई बात नहीं। तो कैसा अरहाना ढक्कन खोल देता है, उसके अंदर से चीज निकाल के फेंक डालता है, तो इसीलिए उसके ऊपर हम लोग ने पत्थर रख दिए हैं। जो पलंग के नीचे पत्थर था ना वही पत्थर है, तो अभी लेकर आओ इसको ना। नहीं नहीं अभी नहीं, ये देखो इसके अंदर ना भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा ये और मेरी घड़ी। पकड़ो चलो इधर वीडियो बनाओ, पहले मैंने वहाँ पर घड़ी ले लिया था, मैंने मत कैसे यहाँ पे काम भी रहता ना तो फिर पहनने में मज़ा नहीं आती। एक ये टोपी पहनता हूँ और ये वाली इतनी नहीं पहनता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और एक ये वाली पहनता हूँ। चलो इसको धो दो ना यार, पूरी एड़ भगा दी। तो कितनी धोली हुई था, ठीक है ये दो के तीन है, और रुमाल तो काम आते ही अपने को, और चार्जर तुम्हारा है। चलो कितना सारा रुमाल तुम्हारे नाक पोछने में अच्छा सफेद वाला, कौन सा वाला जिस पे कलर लगा हुआ? मैं नाक पोछूँ और ये ना तुम्हारे मुँह पे लगा दूँगा, चलेगा ना? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। फातिमा नीचे बैठ जाओ बेटी, नीचे बैठ जाओ। दुपट्टा पहन लो मेरा बच्चा, मेरी जान प्लीज, गंदा बच्चा है बाबू, दुपट्टा पहनने का। तुम बड़े होंगे तो तुम्हारे को दुपट्टे की आदत रहना चाहिए ना। मेरा बेटा यार, आंख के एक टोपी रखो। अरे वन टू थ्री, हबीबी कम टू दुबई। मुसलमान है, ये पक्का मुसलमान है, झूठे नहीं बोलेगा मेरा बेटा।
इधर देखो इधर देखो, वहाँ चेहरा काला क्या आ रहा जी? मैं काला हूँ इसलिए, ये पक्का मुसलमान है, झूठ नहीं बोली। मेरा गुड़िया रानी, इतना अच्छा है, इसकी नानी ने पाटला दिए थे फातिमा की, अरहान ने इसका ना वो घुमा दिया है पलंग नीचे, पलंग के नीचे निकालना पड़ेगा, मेरे से नहीं निकाल रहा अभी, ठीक करके तुमको निकालना पड़ेगा, उसके अंदर ही रखो, तुम्हारी थैली में घुमा देंगे वो पोल पार्ट। अच्छा ने मतलब वो नहीं लगती ना, लगने वाली नहीं है ना, तो क्या करेंगे अपन, पहनता हूँ मैं इंशाल्लाह, बदल बदल के पहनूंगा, लेकिन अभी फिलहाल उसको नहीं पहन रहा ना, उसको ना रखे गया, हाँ रखे गया, बनाई भी नहीं वो वीडियो, मैंने आई भी नहीं उधर, मतलब हाँ चलेगा, हाँ वही अभी इसको क्या करेंगे पता है, क्या करेंगे, ये हमारा चार्जर और तुम्हारा चार्जर पता है कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ, परस के अंदर, ये तुम्हारे परस के अंदर। सबसे ज्यादा कौन काम करता है, मैं करता हूँ कि सोलिया करते हैं, मैं करती हूँ वैसे, मैं करता हूँ, हाँ छोटी चटनी है मेरी, क्या देखे गाइस, शादी करेंगे ना तो ये सब आप लोगों को काम काम करना पड़ेगा, क्या वो दांत फेंको, मैं डालो काम आती हूँ चिंगी, हाँ धोने में डालना चालो, इसको भी क्या करेंगे पता है, कितना क्लीन आज का जो भी था रूटीन, बस इतना ही भाई, अभी और करने की हिम्मत नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। देखो एकदम मस्त सफाई हो गई है, जो यहाँ पर लटक रहा था सब कुछ मैंने निकाल के हटा दिया उसको, और यहाँ पर देखो उसके अंदर रख दिया हूँ, और बाकी ऐसा कुछ है और भी, और ना थोड़ी बहुत चेंजेस करने का घर में, इंशाल्लाह कलर भी मारने का है, तो कलर कौन सा मारूंगा पता, वाइट कलर मारने वाला हूँ मैं, पिछली बार ये कलर मारा था ना, ये कलर नहीं मारूंगा, वाइट मारूंगा, एकदम मस्त हो जाता, फ्लो फ्लो में निकल जाता है, जो छत पे कलर रहता है ना, छत पे ये देखो याला कलर रहता ना, वही कलर मैं दीवार पे मारूंगा एकदम मस्त, और नीचे की सीढ़ी वीडी लेवेंडर नहीं वाइट है, नहीं ना लेवेंडर वाइट है, वाइट कलर है, हाँ वही समझ लो, हल्का मतलब वाइट कलर रहेगा उसके अंदर ना, हल्का सी वो डालूंगा लेवेंडर कलर, हल्का सी थोड़ा सी वो दिखना चाहिए, तो वही कलर मारूंगा मैं, ठीक है एकदम मस्त उजाला उजाला आएगा घर। तो चलिए फिर ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना, ऐसे ही बस क्लीनिंग का थोड़ा वीडियो आप लोगों से शेयर कर दिया मैंने, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, और मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ आप लोग अपने सजेशन कमेंट में बोल दे सकते हैं मुझे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस टाइप की वीडियो आप लोगों को बना के पहुँचाने की।